नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में सोने मकान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां रेशमा पिता ऑफिस ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि हमारे मोहल्ले में घूमने वाले लड़के संदीप, संजय और सुमित तीनों लोग मेरे घर पर से कुछ सामान हाथ में ले जाते हुए तेजी से भागते हुए निकले। जब मैंने घर के अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और मेरे घर में रखी लोहे की अलमारी खुली हुई थी। वहीं अलमारी में रखा हुआ सारा सामान भी बिखरा हुआ था। जब मैंने मेरी अलमारी का सामान चेक किया तो अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले जाते हुए नजर आ रहे थे। जब मैंने आवाज़ दी तो वो दोनों बदमाश मुझे देखकर फरार हो गए, जिसके बाद मैंने थाने पहुंचकर दोनों बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। ये थाना चंदन नगर में कल दोपहर में एक महिला जो है अपने घर से पानी भरने के लिए मोहल्ले में गई थी, तो जब वो लौट रही थी तो उसने देखा कि जो है वहाँ पे तीन लड़के उसके घर से निकल रहे हैं, तो उसको शंका हुई, तो जिस पर उसने हल्ला शोर किया, जिस पर मोहल्ले के लोग और वहाँ बीट की हमारी पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी मौजूद थी, तो उन सबके सहयोग से उस पर से तीन में से दो लोगों को पकड़ लिया गया मौके से और बाकी एक आरोपी फरार है। उनसे पूछताछ करने पर जो है उन्होंने पता चला कि उन्होंने घर में घुस के चोरी की थी उस महिला के, और जिसमें कुछ जेवरात और कुछ नकदी रुपये गए हुए हैं। अभी विवेचना जारी है, जो आरोपी हिरासत में है उनसे पूछताछ करके बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।